गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट एस ए टू सिलेबस हमारा, जिसमें हम आज हमारा 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। ठीक है, इसमें हम अलजेब्रा की इंट्रोडक्शन यानी कि जानेंगे कि अलजेब्रा में हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, वेरिएबल, लेटर यूज टू रिप्रजेंट नंबर और सम अदर क्वान्टिटीज़ इन जनरल आर कॉल्ड वेरिएबल नंबर और सिंपली वेरिएबल। क्या होता है कि एक वेरिएबल क्या होता है हमारे पास, जो किसी क्वांटिटी यानी कि कोई भी चीज़ है उसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे एक्स इक्वल टू 50 रुपीज़। ठीक है, ये एक फिक्स क्वांटिटी है, इसे हमने लेट क्या कर लिया, एक्स। ठीक है, तो एक्स हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल हमारा क्या है, दो डिफरेंट चीज़ों से मिलके बना, जैसे वेरिएबल, वेरी का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, तो हर एक टाइम पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। हर एक क्वेश्चन में, हर एक चीज़ में हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू अलग अलग लेते हैं, या वेरिएबल की कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती, तो वेरिएबल हमेशा डिफरेंट वेरी करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है हमारे पास, ऑपरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल्स पे हम कौन कौन से ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट हमारा क्या, एडिशन, ऐड करना, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, सिंपली हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस x। मल्टीप्लिकेशन, इनकी मल्टीप्लाई भी हो सकती है, x इंटू वाई, जहाँ पर हमारा x क्या है 6 है, y क्या है 5, तो x मल्टीप्लाई वाई यानी कि 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू क्या आएगा, 35। डिवीज़न भी कर सकते हैं। पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई करना वेरिएबल की वेरिएबल के साथ, जैसे एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स की मल्टीप्लाई 4 टाइम। तो इसे पावर ऑफ वेरिएबल हम कैसे लिख देंगे, हमारे पास ये बेस सेम है और ये हमारे पास है कितने, 1 2 3 4, तो x की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई हमारे पास, तो पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, x की पावर 4 होगी। उसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टेंट, हमारे पास कॉन्स्टेंट, अ सिंबल विच हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ इन क्वेश्चन और सिचुएशन। क्या होता है हमारे पास कॉन्स्टेंट, क्या होता है हमारे पास, किसी चीज़ की फिक्स वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, वेरी करता है यानी कि डिफरेंट होता है, हर एक टाइम पे हर एक सिचुएशन में उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी वेरिएबल की। बट कॉन्स्टेंट में हमारे पास ऐसा नहीं होता, कॉन्स्टेंट क्या है, 2 इक्वल्स टू 2 ही आएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि 2 की वैल्यू ऑलवेज 2 ही आएगी। 2 को अगर हमें किसी के इक्वल लाना है, कोई नंबर ऐसा हो जो 2 के इक्वल हो, तो वो 2 ही होगा। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज तो नहीं होगा ना, कि ये तो चीज़ नहीं है कि 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इक्वल्स टू 2 आएगा। कॉन्स्टेंट क्या होता है, किसी सिंबल की फिक्स वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ साइन एंड सिंबल ऑफ अलजेब्रा, दिस सिंबल इंक्लूड द न्यूमेरिकल वेरिएबल एंड द साइन ऑफ ऑपरेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो साइंस हमारे क्या होते हैं, प्लस माइनस डिवीज़न, जो भी हम यूज़ करते हैं ऑपरेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, और वेरिएबल एक्स वाई जेड, ठीक है, और कॉन्स्टेंट, इन चीज़ों से मिलके जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनती है उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। लाइक 5xy प्लस 3x, ये हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो कि हमारे पास वेरिएबल, कॉन्स्टेंट और साइन से मिलकर बनती है। इसमें जैसे कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है, 5 है, एक्स वाई हमारे क्या है, वेरिएबल है, प्लस हमारा क्या है, ऑपरेशन है, साइन है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, फैक्टर और कोफिशेंट। फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं, व्हेन नंबर्स एंड वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाई टू फॉर्म अ टर्म। क्या होता है, जब नंबर और वेरिएबल की मल्टीप्लाई करते हैं टू फॉर्म अ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बनाने के लिए, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, फैक्टर हो जाते हैं।
और कोफिशेंट क्या होते हैं हमारे पास, अगर हमसे पूछ लें कि x का कोफिशेंट क्या है, तो x को छोड़ के जो हमारे पास इस टर्म में अवेलेबल है फाइव और y, तो x का कोफिशेंट क्या होगा, 5y। और इसमें हमें पूछ लें कि फैक्टर क्या है हमारे पास इस एक्सप्रेशन में, तो एक्सप्रेशन फैक्टर क्या है हमारे पास, 5x और y, ये हमारे क्या हैं, फैक्टर हैं। और अगर हमसे पूछ ले कोफिशेंट ऑफ x, कोफिशेंट ऑफ x क्या है हमारे पास, 5y प्लस 3, यानी कि x को छोड़ के जो हमारे पास इस एक्सप्रेशन में होगा वो क्या होगा, x का कोफिशेंट होगा, जो x के साथ होगा वो हमारा क्या होगा, x का कोफिशेंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, लाइक और अनलाइक टर्म हमारे पास कौन सी होती हैं, टू और मोर टर्म विच हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, किसी एक्सप्रेशन में, दो एक्सप्रेशन में जहाँ पे दो नंबर सेम हो, यानी कि अगर 5 है तो 5, और उसमें अगर जो वेरिएबल है वो सेम हो, ठीक है, जैसे कि 7xy और माइनस का 5xy, इसमें अगर वेरिएबल हमारे पास सेम है तो ये क्या है हमारे पास, लाइक टर्म्स है, xy, इसमें हम प्लस माइनस नहीं देखेंगे और ना ही जो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है, इसमें सिर्फ हम वेरिएबल को देखते हैं लाइक टर्म में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या देखते हैं, लाइक टर्म्स को देखते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, वेरिएबल सिर्फ xy, 7xy माइनस 5xy, ये हमारे पास क्या है, लाइक टर्म्स हैं, और 5x² और माइनस 7y ये हमारे पास क्या है, अनलाइक है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, x² है, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, y है। ठीक है, उसके बाद क्या है, काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल्स, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म, जहाँ पे हमारे पास क्या हो, ओनली वन टर्म हो, तो वो क्या होता है, मोनोमियल्स, जैसे 2xy 3y दे दे, या 3x दे दे हमें, 4xy दे दे, वो हमारे पास क्या होता है, मोनोमियल, जहाँ पे हमें सिर्फ एक ही टर्म दिखेगी। बायोनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स टू टर्म इज कॉल्ड बायोनोमियल, जहाँ हमारे पास टू टर्म होंगी, जैसे 2x प्लस 3y, ये हमारे पास क्या है, बायोनोमियल है। ट्रियोनोमियल, जहाँ पे हमारे पास तीन टर्म्स होंगी। पॉलीनोमियल्स में क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टर्म कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अ पॉलीनोमियल, जिसमें हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट भी होगा, टर्म्स भी होंगी और वेरिएबल्स भी होंगे, जैसे x² प्लस y² प्लस 2xy प्लस 7, ये हमारे पास क्या है, एक पॉलीनोमियल है। ठीक है,